दिल्ली एनसीआर से जुड़ी ये बड़ी खबर, मदर डेयरी और अमूल का दूध होगा महंगा। मदर डेयरी 3 रुपए तक कीमतें बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। नई कीमतें रविवार से ही लागू होंगी। इस साल मई में भी मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई थी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई की मार पड़ने वाली है। जी हाँ, मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। मदर डेयरी ने 3 रुपए प्रति किलो की दर से अपनी कीमतें बढ़ाई है, जबकि अमूल ने 2 रुपए प्रति किलो के दर से अपनी कीमतें दूध की बढ़ाई है। तो ये सभी तरीके के दूध पर लागू होंगी। आपको बता दें कि मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में 30 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करती है। इस साल मई में भी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपयों का इजाफा किया था। इसके अलावा सितंबर में कंपनी ने गाय के दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मदर डेयरी का 1 लीटर फुल क्रीम दूध 54 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, जो रविवार से 57 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। तो सभी प्रकार के दूध, चाहे वो फुल क्रीम हो, टोंड हो, डबल टोंड हो, स्कीम्ड मिल्क हो, तो दाम बढ़ने जा रहे हैं। कल से ये लागू हो जाएंगे और उससे पहले जनता का रिएक्शन आना भी शुरू हो गया है। लगातार महंगाई की मार पड़ रही है जनता पर। क्या कुछ कहना है जनता का, वो सुनिए। ये तो बहुत मुश्किल बात है जी, नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इतना रसोई पर भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा घर चलाना, तो और बढ़ जाएंगे इतने, कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। महंगाई पे तो देखिए जी, बिल्कुल कंट्रोल रहा नहीं। प्याज जो है बिल्कुल बाहर हो गई हमारे से, प्याज नहीं है। आलू इस समय पे इतना सस्ता होता था, वो भी 30 रुपए किलो है, और दूध भी, हर चीज़ मतलब इस समय पे बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है।